लैके आए हैं। सानू पूरी आस है भी आने वाले समय में 14 तरीक न जिहड़ा पंजाब सरकार को साडियां मंगां दा नोटिफिकेशन जारी कराउण। बाकी भी बताए क्या क्या सिर्फ तुसीं प्रगट सिंह नूं क्यों चुणिआ? क्योंकि ये पंजाब सरकार दे विच आपां इन्हां दीआं इंटरव्यू सुणदे रहिंदे आ, ये बहुत एक्टिव विधायक ने, इस करके असीं इन्हां दा घर चुणिआ भी ये साडियां मंगां दा हल करा सकदे। कि ना तुहाडा 14 तरीक नूं हल होया कि अगली की रणनीति होएगी? अगली रणनीति जे 14 तरीक नूं साडा नहीं हल हुंदा तां पंजाब दे जिन्ने नैशनल हाईवे वो पक्के तौर पर बंद किए जाणगे। असीं सरकार नूं दस देना चाहुंदे हां कि जां तां साडियां मंगां दा हल हो जाए, जे सरकार कहूगी भी उदा असीं इन्हां नूं घर घल दांगे, असीं अपने घरों ठाण के आए भी जां असीं पक्के होर के घर वापस जावांगे जां असीं फटियां ते पै के घर जावांगे। कहिंदा प्रगट सिंह नाल तुहाडी बड़ी देर मीटिंग भी हुई है, गलबात भी हुई है, कि उन्होंने विश्वासन की दिता? उन्होंने यो विश्वासन दिता भी ढाडियां 14 तरीक नूं असीं मंगां दा हल करा के तां नोटिफिकेशन जारी करावांगे। लड़ाई साडी भावें सरकार दे विच हुंदिया वी ते सरकार दे बाहर हुंदिया वी इही आ भी जिहड़े इंपलॉइज़ हैगे आ भावें आपां थोड़े रखीए पर रखीए पक्के, क्योंकि होया कि पिछले 10-15 सालों च एक ट्रेंड नवा चलिया, ब्यूरोक्रेसी ने एक राह लभ लिया भी ये जिहड़े आ इन्हां नूं आउटसोर्स कर दिओ भी। अल्टीमेटली जदों आपां सरकार दा काम करा रहे हैं तो फिर आउटसोर्स वाली कंपनी की कई बार तो कई महकमें तो यह भी होया भी कंपनियां भज गई तो बंदियां नूं तनखाहां तक नहीं मिलियां। और मैं हमेशा इस गल नूं अपोज़ करता हैगा, हुण भी अपोज़ करता, और लेकिन आने वाले क्योंकि मैं ये टेकअप करूँगा और बिल्कुल सरकार नाल, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि जिन्हें भी इंपलॉइज है ये ठीक है भी असी कई पॉलिसीज जड़ियाँ देखो असी मैं तो इस गल नूं कहण तो भी गुरेज नहीं करता भी असी बीबिया नूं सफ़र फ्री कर दिता, बिल्कुल उहदे नाल भी ट्रांसपोर्ट ते बहुत जड़ा असर पिया हैगा, प्राइवेट ते भी पिया ते सरकारी ते भी पिया। एंड ऑफ द डे जे हर चीज़ असी फ्री करी जावांगे ते आने वाले समय से इनू सरकार नू जा सिस्टम नू रन किदां कर सकदे, क्योंकि मेरे नाल इह सारे इस गल नाल एग्री भी होणगे भी ये जिहड़ियां चीज़ां इह बंद भी होणियां चाहीदियां आने वाले समय ताकि नवें बच्चों का भी एक्सपलॉयटेशन ना होवे। और इन्हां नू मैं डेफिनेटली मैं किस दिन नवजोत सिंह सिद्धू होणा नू भी नाल लैके इन्हां नू भी कहूँगा भी आपां किस दिन 2-4 जने आ जाओ। सर साडा एक सवाल है भी 2006 दे विच इह जिहड़ा ठेकेदारी सिस्टम कैप्टन साहब ने शुरू किया सी ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 2-3 ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀਏ।